गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लेंस का। कल हमने लेंस के बारे में पढ़ा था कि लेंस दो टाइप के थे। पहला तो हमारा उत्तल लेंस और सेकंड नंबर पे हमारा अवतल लेंस। दोनों लेंस के अंदर हमने कल अंतर भी पढ़ा था कि दोनों लेंस में अंतर क्या क्या है, किस प्रकार से हम उनमें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, विभाजन कर सकते हैं, उनको अलग अलग बता सकते हैं। आज पढ़ते हैं हम इन लेंसों के बारे में कि लेंस में जैसे हमने दर्पण में देखा था ध्रुव था, मुख्य फोकस था, वक्रता केंद्र था, तो लेंस में क्या क्या होता है। लेंस को बनाने के तरीके के साथ ही हम सब चीजें पढ़ेंगे बच्चों। तो सबसे पहले उत्तल लेंस कंस्ट्रक्शन सीखते हैं, उसको बनाना सीखते हैं। आप क्या कीजिए, अपनी कॉपी के ऊपर एक लाइन लगा लीजिए, उस लाइन की लंबाई कम से कम 16 सेंटीमीटर, कितनी हो कम से कम भी 16 सेंटीमीटर लंबी एक लाइन हो हमारी, बिल्कुल उसके बीच में हाफ मिड में 8 सेंटीमीटर पर एक निशान लगा लीजिए और उसका नाम लिख लीजिए ओ। यानी ओ से मैंने लेफ्ट साइड में भी 8 सेंटीमीटर ले ली और राइट साइड में भी 8 सेंटीमीटर ले ली है। क्या कीजिए, अब इसका बिल्कुल हाफ कर दीजिए बच्चों और इधर से भी इसका हाफ कर दीजिए और यहां पर हम इस तरफ लिखते हैं अपना पहला बिंदु C1 और यहां लिखते हैं अपना C2। यानी O से 8 सेंटीमीटर दूर C1 है और O से 8 सेंटीमीटर दूर हमारा C2 है। ये हमारे क्या है, वक्रता केंद्र है। अपने प्रकार की नोक को यहां पर रखिए और उसको इस O बिंदु से थोड़ा सा ज्यादा होते हुए चाप लगा दीजिए, उतनी ही पूरी प्रकार से बिल्कुल एज इट इज रखते हुए C2 बिंदु पर रखिए और एक चाप को लगा दीजिए बच्चों। तो आप देखेंगे कि चाप एक दूसरे को एक स्थान पर काट देती है और जिस स्थान पर एक दूसरे को काटती है उससे ज्यादा बार कोशल साफ कर देती है और इस प्रकार से हमारा क्या बन गया, ये हमारा उत्तल लेंस बन गया है। दोबारा देख लीजिए क्या कह दिया हमने, एक 16 सेंटीमीटर लंबी एक लाइन ली, उसका मिड पॉइंट ढूंढा 8 सेंटीमीटर पर, जहां से हमने स्केल स्टार्ट की थी वहां C1 लिखा, जहां हमने स्केल पॉइंट किया वहां क्या लिखा है, C2 लिखा है। 8 सेंटीमीटर से थोड़ी सी ज्यादा स्केल खोलते हुए मैंने एक चाप C1 बिंदु से लगाई है, एक C2 बिंदु से लगाई है। यानी जो C1 और C2 है वो दोनों हमारे क्या है, उस गोले के वक्रता केंद्र है। C1 और C2 क्या है, उस गोले के क्या है, वक्रता केंद्र। और जो हमारी लाइन C1 C2 है ये क्या हमारा मुख्य अक्ष, ये क्या हमारा बच्चों मुख्य अक्ष है, ठीक है। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे वहां दर्पण के इसमें पोल और सी का हाफ क्या होता था हमारा फोकस होता था, बिल्कुल ऐसे चीज यहां भी C1 और O का बिल्कुल हाफ आधा फोकस होगा हमारा। लेफ्ट साइड में हमारा F1 और राइट साइड में हमारा F2 होगा, राइट साइड में हमारा क्या होगा F2, ये हमारा राइट साइड में F2 फोकस, दोनों ही मुख्य फोकस कहलाते हैं बच्चों। क्योंकि दर्पण के केस में गोले का एक हिस्सा होता था, लेकिन यहां गोले कितने पृष्ठ हैं, दो पृष्ठ हैं, एक ये और एक ये पृष्ठ, ये दोनों गोले के दो हिस्से हैं, दो पृष्ठ हैं, इसलिए हमारे यहां पर दो फोकस हैं। अब बात करते हैं बच्चों ओ की। ओ हमारा क्या है, देखो ओ लेंस का वह बिंदु होता है जिसके अंदर से जब भी कोई प्रकाश किरण गुजरती है सीधी गुजर जाती है, तो इसको ओ को क्या बोलते हैं, प्रकाशीय बिंदु। ओ को क्या बोलते हैं, प्रकाशीय बिंदु। यहां से कोई भी किरण निकालो बच्चों वो बिल्कुल कैसी जाएगी, सीधी चली जाएगी। तो हमारे यहां मुख्य तीन चीजें हैं बच्चों, दो हमारे वक्रता केंद्र है C1 और C2, दो मुख्य फोकस है F1 और F2 और क्या हमारा प्रकाशीय बिंदु O है। कई बुक्स में आप C1 को 2F1 भी लिखा देख सकते हैं और C2 की जगह आपको 2F2 भी लिखा नहीं सकता बच्चों, क्योंकि ये फोकस का क्या है, डबल है। बिल्कुल दर्पण की तरह जैसे मुख्य फोकस की जो वक्रता त्रिज्या थी वो दुगनी होती थी, यहां भी OF1 किसके बराबर है, आधा OC1 की, हाफ C1 के, या ये कह लीजिए कि ओ C1 किसका डबल है, F1 2F O F O का। यानी हमारी वक्रता त्रिज्या है जो
हमारी जो वक्र का त्रिज्या है वो फोकस की क्या है, दूरी है, दो गुना में मुख्य फोकस दूरी, दो गुना में फोकस है दूरी, दो गुना में फोकस है दूरी। तो ये था बच्चों उत्तल लेंस के बारे में। इसके रूल भी साथ में कर लेते हैं कि कैसे हमें यहां किरणें गुजारनी है। पहले अगर हम केस की बात करें बच्चों, तो अगर इस दर्पण को मैं सूर्य के सामने रख ले जाता, सॉरी इस लेंस को मैं सूर्य के सामने ले जाता हूं, तो ये सूर्य की किरणों को इकट्ठा कर देता है। और इकट्ठा कैसे करता है, सूर्य की किरणें कैसे आएंगी बच्चों, समांतर आएगी, बिल्कुल आपको करना क्या है इसके आधे तक हाफ तक बिल्कुल सीधी लाइन लेके आएंगे बच्चों, लेंस के आधे हिस्से तक आप लाइन को कैसे ले आओगे सीधी। वैसे देखो यहाँ वायु है यहाँ कांच है, जैसे ही कांच में जाते मुड़ जाते हैं, लेकिन आप दो बार इसमें परिवर्तन दिखाने की बजाय हम क्या करेंगे कि आधे तक बिल्कुल सीधे रहेंगे प्रकाश किरण को, और आधे के बाद ये रुककर कांच में जाएगी मुख्य फोकस पर द्वारा F2, बिल्कुल वहां भी फोकस पर ही जा रही थी कराने के बाद, लेकिन यहाँ तक लेंस है तो इसके अंदर से गुजर जाएगी जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी। ये हमारा क्या है, मुख्य अक्ष है, जो किरण मुख्य अक्ष के बच्चों समांतर आती है वो लेंस में से गुजरने के बाद मुड़ जाती है और कहां चली जाती है, एफ टू से निकल जाती है। दूसरा रूल अभी मैंने बताया था कि जो फोकस से जाएगी, सॉरी जो प्रकाशीय बिंदु से जाएगी वो भी उसी दिशा में जाएगी, जो प्रकाशीय बिंदु से जाएगी वो क्या चली जाएगी, सीधी, प्रकाशीय बिंदु से जो जाती है वो बिल्कुल सीधी चली जाती है। जो प्रकाश की बिंदु से आती कैसे आती है, सीधी। और तीसरा रूल यहां क्या है कि जो फोकस से होकर जाएगी, तो तीसरा रूल क्या है बच्चों इसका, देखो दो हम पढ़ चुके हैं, जो समांतर आती है फोकस से जाती है और एक प्रकाश की बिंदु से सीधी चली जाती है। तीसरा क्या है, जो फोकस से होकर जाएगी, जो किरण फोकस से होकर जाएगी दर्पण लेंस में से गुजरने के बाद वो समांतर हो जाएगी। दोबारा से देख लीजिए बच्चों सभी रूल एक बार, जो समांतर आती है लेंस से गुजरने के बाद वो फोकस से चली जाती है। सिंपल वही लगाने बच्चों आएंगे, जो प्रकाश के बिंदु से जाती है वो सीधी चली जाती है, जो से जाती है वो सीधी जाती है। और तीसरा क्या, जो फोकस से होकर जाएगी लेंस में से गुजरने के बाद वो क्या जाएगी, समांतर हो जाएगी। तो इन तीन रूल के साथ हम प्रतिबिंब बनाना सीखेंगे। अब बात करते हैं हम अवतल दर्पण की, अवतल दर्पण को कैसे बनाना बच्चों, रूल उसके लिए भी यही आएंगे। अवतल दर्पण के लिए हमें क्या क्या करना है, ऐसे ही आपको पेज के ऊपर आपको 16 सेंटीमीटर लंबी लाइन लेनी है, बिल्कुल उसके हाफ में ओ लिख लेना है आधा, एक तरफ C1 या 2F1 भी लिख सकते हैं आप, दूसरी तरफ आपको क्या लेना है, C2 लिखना है, 2F2, दोनों में से एक सिंबल का यूज करना बच्चों, इसका आधा कर देना इस तरफ F1 और इधर F2। अब की बार आपको क्या करना है, देखो पिछली बार हमने क्या किया था, C1 पर प्रकार रखी थी उसे ज्यादा होनी थी, लेकिन अब की बार उसे कम, इस तरफ आप एक चाप लगाएंगे, इसी तरीके से आप उधर से एक चाप लगाएंगे, दोनों चाप किसी को नहीं काटेंगे, बस आपको करना क्या नीचे वाले से लोगों समांतर लाइन से मिला देना है। तो ये हमारा क्या बन गया है, अवतल लेंस, ये हमारा क्या बन गया बच्चों, अवतल लेंस। अब इसके केस में क्या करो बच्चों, अगर इसके केस में यदि मैं समांतर लेंस लेकर आता हूं हाफ तक सीधी आएगी, ये प्रकाश को फैलाता है बच्चों, ये जो लेंस है प्रकाश को क्या कर देता है, फैला देता है, तो फिर ये उधर चली जाएगी, ये F2 की तरफ तो नहीं जाएगी, तो अगर किसकी तरफ जाएगी, नीचे आभासी F1 की तरफ मिलती है, आभासी काल्पनिक, हम ऐसा ले रहे हैं कि जैसे कहां से आ रही है, ये F1 से आ रही है। O के लिए वही रहेगा, O के लिए कोई रूल चेंज नहीं होगा, जो O से गुजरेगी वो सीधी चली जाएगी, ठीक है बच्चों। और तीसरा हमारा जो हमारे F2 से गुजरेगी वो कैसे हो जाएगी, मेरे समांतर, हमें लग रहा था तो ऐसे ही हम कहां भेज रहे हैं उसको, F2 पर, कहां भेज रहे हैं उसको, F2 पर आगे दानेदार, क्योंकि ये कहां चली जाएगी, समांतर हो जाएगी, ठीक है बच्चों। उत्तल लेंस को बच्चों अभिसारी लेंस कहते हैं, क्योंकि ये प्रकाश किरणों को इकट्ठा करता है,
अभिसारी किसको बोलते हैं? उत्तल लोब। और अपसारी किसको बोलते हैं? अवतल लोब। अपसारी लेंस किसको बोलते हैं बच्चों? अवतल लोब बोलते हैं, क्योंकि ये प्रकाश को क्या करता है? फैलाता है। तो इस प्रकार से आप अपने दोनों लेंस को बना सकते हैं, दोनों लेंस की कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। इसके प्रतिबिंब के बारे में हमें कल पढ़ते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।